देखिए अच्छा तो बहुत लगा जब पोस्टर भी लॉन्च हुआ और ट्रेलर भी और बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया. एक बहुत ही अच्छा मतलब एक स्वीट जेस्चर है उनकी तरफ से. उन्होंने ट्वीट किया ट्रेलर पोस्टर. सो उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ. हमारे पास वो ज़रिए नहीं होते दूर दूर तक पहुँचने के लिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया. ट्रेलर उन्हें अच्छा लगा. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल. और दूसरा, ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, जेन्युइनली पसंद आया है. मैं नंबर गेम में कभी रहा नहीं हूँ और मुझे भी पता है आजकल फिल्में लॉन्च होती हैं तो आधे दिन में ही 5 मिलियन 10 मिलियन क्लिक्स खरीदे जा सकते हैं. मैं नहीं कहता सब खरीदते हैं, मगर एक वो एल्गोरिथम जैसे काम की जाती है. अब अगर आप ऑस्कर विनिंग फिल्म्स लेंगे ना तो उनकी लाइफ टाइम अर्निंग लाइफ टाइम व्यूज़ होते हैं 1 मिलियन 1.5, और यहाँ लॉन्च होते ही 10 मिलियन. तो ये जो नंबर तैदाद की गेम है उसमें मैं कभी ना घुसा हूँ ना घुसूँगा. हाँ, जिस दिन अगर मोर नेशनल बर्ड नहीं रहेगा तो उस दिन मैं फिक्र करूँगा. ये मूवी के साथ समीर सोनी जी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं ऐसा डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप इतना एक्टिव. समीर मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हमने एक साथ एक्टिंग भी की है. और ये जब स्क्रिप्ट उसने मुझे सुनाई तो मेरा बहुत विजुअल उसकी नरेशन थी. तुरंत उसके ख़त्म होते ही मैंने उससे एक सवाल किया कि मैंने कहा ये सवाल नहीं मैंने बोला कि तुम्हें डायरेक्ट करनी चाहिए. उसने जवाब नहीं दिया और उसने मुझसे पूछा तू एक्ट करेगा. मैंने कहा ज़रूर, वुड लव टू एक्ट. और फिर एक दूसरे की तरफ हमने देखा, हमने कहा चलो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से इसका सिलसिला शुरू हुआ. हाँ सर, ऊपर वाले की मेहरबानी है. अभी जिसने ट्रेलर देखा है सब ने तारीफ की है, विद इन इंडस्ट्री ऑल्सो सब ने अपनी विशेष दी है. अमित जी से सलमान करण एकता सब ने दिए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है. और प्रेशर पड़ गया अभी कि इनकी जो विशेष हैं उस पर खरा उतरना हमने, बट रिएक्शन बहुत ही अच्छा. देखिए, कोई ऐसा महीना या हफ्ता आने वाला नहीं है कि जिसमें आपके साथ कोई और फिल्म ना आए. अभी तो आप शुगर कर लीजिए कि हमने एक हफ्ता डिले नहीं किया, नहीं तो एक तरह से पैडमैन मारता दूसरे से पद्मावत मारता, तो कोई थिएटर नहीं मिलने वाला था हमारे को. तो हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है. हमने जो फिल्म बनाई है वो अच्छी फिल्म बनाई है, अपने मनपसंद की फिल्म बनाई है. और जो लोग हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग ही पूछते हैं कि इसमें नया क्या है, हमने नई फिल्म बनाई है. और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन. और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि जो ऑडियंस है, जो युवा लोग हैं स्पेशली, दे विल रियली एंजॉय द फिल्म. तो प्रेशर किसी बात का नहीं है, अपना 100% मेहनत से फिल्म बनेगी. सर, जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री के जो भी फ्रेंड हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पहले ट्रेलर लॉन्च हुआ था बिग बी सर अमिताभ सर ने भी आपको अप्रिशिएट किया, सलमान सर ने अप्रिशिएट किया, तो कैसा फील करते इतने दिग्गज कलाकार आपको पहले सपोर्ट करते. यार अमित जी का जहाँ तक कहना है, जब मैंने उनका ट्वीट पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मैं उनका फ़ैन हूँ जो भी है. बागबान में उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे सारे सीन उनके साथ थे, वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे. हमेशा जब उनके घर में दिवाली की पार्टी होती है वो बुलाते हैं मुझे. और उनका बड़प्पन है, वैसा इंसान रोज़ रोज़ नहीं आता है. और सलमान तो जानते हैं, उनका गोल्डन हार्ट है, वो किसी का भला करना चाहें अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे. तो मुझे दिवाली पार्टी में मिले थे, उन्होंने कहा था समीर क्या चल रहा है. मैंने कहा बॉस एक फिल्म बना रहा हूँ मैं. तो क्या कब रिलीज चाहिए? अच्छा भेजना मुझे लिंक, मैं ट्वीट करूँगा. इससे बड़ापन क्या हो सकता है यार. करण जौहर ने हमारा जो पोस्टर था वो लॉन्च किया, सलमान ने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया. तो अब इससे ज़्यादा इंसान क्या मांग सकता. बाकी अब ऑडियंस पे है कि अगर आप इनका भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं वो पता लग जाएगा. हाँ बिल्कुल सच है. मेरे को डायरेक्शन करने का कोई इरादा नहीं था. मैंने एक सिर्फ एक कहानी लिखी थी और सब तारीफ़ कर रहे थे उस कहानी की. तो मैंने सोचा मैं इंडस्ट्री के गुरु जो काफ़ी सीनियर हैं उनसे बात करूं. तो मैंने करण को ये कहानी सुनाई और वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस कहानी सुनते ही बोला समीर तुम्हें ये फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए. तो वो कीड़ा उन्होंने डाला. फिर मैं सोचने लगा कि अगर मैं कभी ज़िंदगी में फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो इसी कहानी को करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद लिखी है. तो वहाँ से संजय सूरी से मुलाकात हुई, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा क्योंकि मुझे वो मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, साफ बताएंगे यार तेरे बस की बात नहीं है मत कर. उन्होंने खुद बोला समीर डायरेक्ट कर. मैंने पूछा आप एक्टिंग करेंगे? कहते हाँ. तो बस
और हम दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस भी कर दी फिल्म, क्योंकि हमें डर था और प्रोड्यूसर ऊपर आएंगे तो कोई बोलेगा एक आइटम सॉन्ग डाल दो, एक एक्शन सीक्वेंस डाल दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो। हमने कहा यार हम जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं वैसी बनाएंगे, अब बाकी जनता